हरिओम, मैं नगीन सिंह प्रजापति समा केंद्र बड़ौदा से हूँ। मेरा काम मकाने बनाने का, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं बापू को 2006 से देख रहा था, लेकिन बापू भक्त बना 2008 से। मैं अपने बापू भक्त श्री अम्बालाल सिंह साधु का मकान बना रहा था। वही टाइम पे वो जब उपासना होती थी तब बापू की पादुकाएँ, बापू के फ़ोटो वगैरह लेके जाते थे। मैं देखता रहता था, लेकिन तभी मेरे मन में कोई ऐसी धार्मिक भावना, ऐसा उनके प्रति लगाव कुछ नहीं था। लेकिन मैं बापू भक्त बना, मेरे बच्चे को, मेरे छोटा लड़का है जिसको हम जैनेन्द्र जो प्यार से जय कहते हैं, वो 2008 में 7 साल का था और उसको जब तकलीफ हुई उसकी वजह से मैं बापू भक्त बना हूँ। अब हमको जो अनुभव हुआ है वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हरिओम। हमारा लड़का जो जय है, उसका जन्म तारीख यानी बर्थ डेट 2001 है और उसको तकलीफ हुई मार्च 2008 में। उसको पहले स्कूल में से फ़ोन आ गया, घर पे आया कि आपका बच्चे ने वॉमिटिंग किया है, उसको घर पे ले जाओ। मेरी वाइफ उसको घर पे ले आई, कपड़े थोड़ा साफ करवाया और सो गया, जैसे हम लोग जनरली करते हैं। लेकिन शाम को जब उसको बुखार आया, हम लोग हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भावेश शाह करके है उनके पास ले गए। उन्होंने देखा तो उसको बुखार है, जनरली सबको बुखार होता है ऐसा, उसको 3 दिन की दवाई देके हमको घर भेजा गया। हम दवाई लेके घर पे आए, शुक्रवार का दिन था, 3 दिन का बोला था इसलिए हमको शुक्र शनि और रवि 3 दिन तक उसको दवाई देनी थी। लेकिन रविवार शाम को उसको फिर से एक बार अचानक से हमने देखा कि उसकी आंखें, यानी आंखें के अंदर का जो ब्लैक स्पॉट होता है, किकी हम बोलते हैं, वो साइड की ओर चली गई। हमने देखा तो हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। दूसरे दिन सुबह उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर साहब ने देखते ही बोला कि ये तो बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम लगता है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हम लोग उसको, उन्होंने जहाँ रिफ़र किया था वो बड़ौदा में हॉस्पिटल है, KGPCH यानी काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ संगीताबेन त्रिवेदी करके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर है उनके पास भेजा गया, उनको दिखाया गया, बच्चे को ICU में भर्ती किया गया और उसकी जो भी रनिंग में जो ट्रीटमेंट थी वो चालू किया गया। लेकिन शाम को जब उसका सब देख के बोला गया कि इसका MRI कराना पड़ेगा, MRI कराने के लिए हम MRI सेंटर में ले गए। वहाँ MRI करने के बाद रिपोर्ट हमको न देते हुए उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब से बात की, करीबन शाम को 8:30 थे। डॉक्टर साहब ने, MRI वाले डॉक्टर साहब ने हमारे डॉक्टर से बात की कि बच्चे को दिमाग के अंदर जो सर का भाग है वहाँ थ्रोम्बोसिस यानी कि गांठें हो गई है, ये गांठों की वजह से खून उसका चल नहीं रहा है और उस खून न मिलने की वजह से उसकी आंखें तिरछी हो गई थी। तो वही डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि ये गांठें, वो ये 2-3 दिन की बात है कि भाई गांठें की वजह से क्या क्या होगा। गांठें की वजह से उसका खून चलना बंद हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है। ये सब सुन के मैं फिजिकली तौर पे कॉलेप्स हो गया। लेकिन ये सुनने के बाद मैं जब हॉस्पिटल से ICU के वार्ड से बाहर खड़ा था, इतना फूट फूट के रो रहा था, तभी अचानक जैसे मुझे कोई बुला रहा हो कि, और जैसे अंधेरे में प्रकाश का एक छोटा सा किरण दिख रहा हो, वैसे मुझे बापू बुला रहे थे, कहा मैं तेरे बच्चे के लिए, तेरे बेटे के लिए बैठा हूँ, तू आ जा मेरे पास। तभी मुझे थोड़ी दृढ़ श्रद्धा हुई कि मैं कभी बापू को देख के भी न नमस्कार करता था और ना ही मानने की बात कर रहा था, लेकिन बापू मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर मैंने जिसका मकान बना रहा था उनको रात को करीबन 8-9 बजे फ़ोन किया कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ है। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे घर पे आओ, घर पे पादुका है बापू की, उनको, उनके पास आप जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है उनके पास करो, आपकी जो भी तकलीफ होगी दूर होगी। हम रात को करीबन 9 बजे हमारे बच्चे को हमारे दोस्त के भरोसे सौंप के अम्बालाल सिंह साधु के घर गए। उन्होंने हमको बोला ये पादुका के सामने आपको जो भी कुछ बोलना है बोलो। हम वहाँ पादुका के पास बैठ के, जैसे ही
उनसे विनती करते थे, हमारे आँखों से आंसू बहने लगे कि बापू अब आप ही हो हमारे बच्चे को बचाने वाले, उनके तारनहार और हमको भरोसा देने वाले। जैसे मेरी विनती और मेरी एक प्रार्थना पूरी हुई तो अम्बालाल सिंह ने हमको उदी दी और बोला कि ये उदी का तिलक करो और उनको मुंह में थोड़ी थोड़ी रखा करो और उनके पास बैठ के राम रक्षा स्त्रोत्र बोलो, हनुमान चालीसा बोलो और घोर कष्टद्रोण स्त्रोत का पठन करो। दिन में जितनी बार हो सके, आपसे जितना हो सके उतना करते रहो। ये सब लेके हम हॉस्पिटल वापस गए। वापस जाने के बाद तुरंत हमने उसको उदी पिलाई। अब ये ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर ने बोला था उसके हिसाब से उनका करीबन 15-20 दिन ट्रीटमेंट चली। ट्रीटमेंट 20 दिन के बाद थोड़ा अच्छा हुआ, को बोला कि घर लड़के को घर पे ले जाओ। हम उसको घर ले आए तो इतना दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हमने सोचा कि इसको कहाँ उसको बाहर घुमाने ले जाए। तभी हमारे वहाँ एरोड्रम पे एयर शो होने वाला था। हम हमारे बड़े बच्चे को पीछे बिठा के बीच में ये छोटे बच्चे जिसको ये तकलीफ थी उसको बिठाया। हमारे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसको एयर शो दिखाने ले जा रहे थे। तो जैसे ही हम घर से करीबन 0.5 किलोमीटर निकले होंगे बाहर तो हमारा ये जो जय है वो ऐसे एक साइड झुक गया। तो मैं मेरे बड़े लड़के को चालू बाइक चलाते चलाते हुए बोला कि भाई तू उसको संभाल, ये क्यों झुक रहा है। तो उसने बोला पापा इसने तो उसकी स्लीपर भी गिरा दी है और ये एक तरफ झुकता ही जा रहा है। तो मैंने तुरंत बाइक खड़ी रखी और खड़ी रख के देखा तो मेरा लड़का को आधा अंग पैरालिसिस हो चुका था। तुरंत हम वहाँ से बड़े लड़के को पीछे पकड़ के बैठ के बोलने के बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लाने के बाद फिर से उसके ट्रीटमेंट वही की वही चालू हुई और उसका जो इंजेक्शन और दवाई वगैरह देना था वो देना चालू हुआ। शाम को करीबन 4 बजे फिर से बोला गया, एक MRI उसका फिर से कराए। MRI कराने के बाद दूसरे दिन उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में ये आया कि जो दवाई आगे दी गई थी उसका डोज दिया गया था उसकी वजह से गांठे के ऊपर जो छिलके हैं उसके वो निकल के उसके छोटे छोटे टुकड़े होके और सारी नसों में चले गए थे, उसकी वजह से उसको पैरालिसिस हो गया था। फिर से उसको 13 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। वही टाइम पे फिर से हम डॉक्टर ने हमको बताया कि ये बच्चे को आप कभी भी अकेला मत छोड़ो क्योंकि उसको जैसे पहले बोला था वैसे उसको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, आंखें जा सकती है और पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन हम जो उदी दी गई थी बापू की उसके ऊपर भरोसा और श्रद्धा रख के बैठे थे वही हमने चालू रखा था। एक तरफ उसकी दवाई भी चालू थी और दूसरी बार जब ये उसको एडमिट किया 13 दिन उसको एडमिट करने के बाद फिर से उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। घर पे ले आए तब दवाई चालू होती। मेरी श्रद्धा की विश्वास करके हमने उदी पिलाना और सब पठन चालू रखा था। लेकिन जो हमारे डॉक्टर ने बोला था 6 महीने के बाद उसको सब ठीक हो जाएगा, हमने फिर से वो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास गए। उन्होंने देख के बोला कि बच्चे को तभी अच्छा हो गया है, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा था कि आपने पहले बोला था कि 6 महीने के बाद देखेंगे क्या होता है। हमने थोड़ा उनको ज़्यादा प्रेशर देके बोला कि आप कुछ ना कुछ जैसा MRI पहले कराया था कुछ कराओ, हम देखें तो सही कि उसकी हालत क्या है। तब उन्होंने थोड़ा मन में न रखते हुए हमको लेटर लिख के दिया कि भाई MRI करा लाओ। हम MRI कराने गए। MRI करा के दूसरे दिन हम रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट देते वक्त MRI करने वाले डॉक्टर साहब ने हमको यही बोला कि ये मेडिकल साइंस में हो ही नहीं सकता है कि गांठे है ही नहीं जो पहले थी। जो पहले बोलते थे कि गांठे छोटी हो सकती है या आपका खून पतला करके चलाना पड़ेगा लेकिन गांठे जा नहीं सकती, ये रिपोर्ट में अब ऐसा आया कि गांठे है ही नहीं। तो भी मैंने दो हाथ पकड़ के यही मन में ठाना कि ये दो गांठे गई कहाँ। डॉक्टर साहब खुद बोल रहे थे कि ये आपका तीसरी शक्ति या आपकी भक्ति ही काम कर रही है या आपकी श्रद्धा काम कर रही है कि ये गांठे नहीं है जो रिपोर्ट में, तो वो आपकी कुछ ना कुछ भक्ति ही आगे आड़ी आई है। तभी मैंने फिर से एक बार बापू को अम्बग्न कहा कि बापू ये करने वाला तू ही है और कोई नहीं है। घर ले आने के बाद डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था
कि उसका ब्लड चेक करा लेना। हमने ब्लड चेक करवाया, तभी उसको थोड़ा मलेरियल इन्फेक्शन आया था, लेकिन वही टाइम पे उसका हीमोग्लोबिन 13.7 था और दवाई चालू थी। फिर से एक हफ्ते की दवाई दी गई। एक हफ्ते की दवाई के बाद अचानक वो एकदम सूख गया, जैसे अभी मर जाने वाला हो। हम उसको फिर से वही डॉक्टर के पास, जो हमारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके पास लेके गए। उन्होंने देखते ही बोला कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो रिपोर्ट निकाला था, सिर्फ मलेरिया का इन्फेक्शन था, फिर से एक बार रिपोर्ट निकलवाते हैं। हमने फिर से रिपोर्ट निकाला तो जो पहले के रिपोर्ट में 13.7 हीमोग्लोबिन था, वो अभी 4.5 यानी 4.5 हो गया था। उन्होंने तुरंत बोला कि इतना जल्दी हीमोग्लोबिन कम हो जाना, यानी कि आप थोड़ा मेंटली और फिजिकली मजबूत होना, हम जो कहने जा रहे हैं वो आप शायद न सुन पाओ कि बच्चे को शायद ब्लड कैंसर हो सकता है। एक बार फिर से मैं फिजिकली कोलैप्स हो गया कि क्या हो रहा है, पहले ये हुआ था फिर ये हुआ। तभी मैंने हाथ जोड़ के बापू को वहीं हॉस्पिटल में विनती की, बापू अब तू ही संभालना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। तो हम हफ्ते के बाद जब उसको थोड़ा तबीयत अच्छा हुआ तो जय को लेके मैं और जय सुचित दादा को दिखाने के लिए गुरुक्षेत्रम मुंबई आए। अपॉइंटमेंट लेके जब हमारा नंबर आया तो ऐसे सुचित दादा किसी को डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि ये कर लो। लेकिन वही टाइम पे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। पकड़ते ही हमको बोला, डॉक्टर जो बोलते हैं वो दवाई कराओ, लेकिन ये बच्चे को कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ये शब्द जैसे सुनते ही मेरी आँखों में पानी आ गया। शब्द सुनते मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जैसे ये शब्द पत्थर की लकीर हो गए, वैसे हो गए थे। और गुजराती में कहावत है, तांबे के पत्रे के ऊपर जैसे लिख के दे दिया हमको कि बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तभी एक बार फिर से मैंने हाथ जोड़ के बापू को हमबग्न कहा और आने के बाद दवाई चालू हुई। और करीबन 15 दिन की दवाई चलने के बाद फिर से रिपोर्ट निकाला गया तो वही हीमोग्लोबिन जो 4.5 हो गया था 13 हो गया, यानी 7.7 कम रह गया था। तो वही लैब वाले डॉक्टर साहब फिर से एक बार वही शब्द बोल रहे हैं और जो ब्लड स्पेशलिस्ट है उन्होंने भी मुझे वहाँ जाने के बाद बोला कि इतना जल्दी हीमोग्लोबिन किसी का भी नहीं बढ़ता। बढ़ता जरूर है दवाई के हिसाब से, खाने के हिसाब से, लेकिन इतना जल्दी नहीं बढ़ सकता। फिर से एक बार बापू हमारे सहारे आए, बापू ने बच्चे को जिंदा कर दिया। अब यही ब्लड स्पेशलिस्ट ने इनका ट्रीटमेंट करते हुए हमको जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास भेजा था कि ये और कुछ ज़्यादा इसका रिसर्च कराए कि क्या है इसको आगे तकलीफ। तो हम वो कराने के लिए उन्होंने हमको जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास भेजा। जेनेटिक स्पेशलिस्ट ने सब रिपोर्ट देखने के बाद दवाई में थोड़ा चेंज करके दिया और उन्होंने बोला कि अगर आप जा सकते हो तो हमसे भी अच्छा जेनेटिक स्पेशलिस्ट चेन्नई में है, जो मेडिस्कैन सेंटर नाम की हॉस्पिटल है, उनमें डॉक्टर सुजाता जगदीशन है। हमने बोला कि हम जाएंगे, आप लेटर लिख के दे दो। जब हमने वहाँ का एड्रेस और वगैरह सब लेके जाने का सोचा, वहाँ जाके हमने दिखाया कि ये बच्चे को ये तकलीफ़ है, ऐसा है। उन्होंने भी सब रिपोर्ट देख के डायटिशियन को रिफ़र किया। डायटिशियन को देखने के बाद वहाँ फिर से सभी रिपोर्ट फिर से निकाला गया। वहाँ जो ब्लड रिपोर्ट आया वो देख के डॉक्टर जगदीशन ने ये तय किया कि इसको हीमोसिस्टिनुरिया नाम का ब्लड का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशेंट को प्रोटीन बॉडी में, जो हमारा एक विटामिन्स होता है, खाने के बाद प्रोटीन बनता तो है लेकिन प्रोटीन हजम नहीं होता है। प्रोटीन एक जगह जमा रहता है और जमा होने के बाद जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है जमा होने के बाद की, तो वो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हर एक अपनी जो नस है बॉडी के अंदर उसमें चला जाता है और ये चले जाने के बाद खून मोटा हो जाता है और खून मोटा हो जाने के बाद जो पहले डॉक्टरों ने बोला था वैसा ही बोला गया कि हार्ट अटैक आ सकता है। सबसे पहले आंखें जा सकती है,
पैरालिसिस हो सकता है और किडनी फेल हो सकती है। लेकिन डायटिशियन को बीच में रख के ट्रीटमेंट फिर से चालू किया गया। डायटिशियन ने ये बोला कि ये लड़के को आप दूध यानी मिल्क और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आज से खिलाने का बंद करो और सूखी सब्जी माने कि कठोर जो भी है वो नहीं खिलाने का जिसमें से प्रोटीन बनता है, इसके सिवा का यानी हरी सब्जी खिलाओ और फ्रूट्स खिलाओ, फ्रूट का जूस पिलाओ और सबसे ज़्यादा साबूदाना जो टोपियोका में से बनता है वो खिलाओ। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए 80% साबूदाना ही इसको या साबूदाना से बनी हुई चीज़ें ही खिलाने का है, ऐसा बोला गया। ये सुन के हम लोग वापस घर पे आए, इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तबीयत ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर से एक बार उसको देखने के लिए यूके से डॉक्टर आने वाले थे, इसलिए चेन्नई से हमारे पे मेल आया कि आप लोग आ सकते हो। हमने बोला हम आएंगे, हम अपॉइंटमेंट की डेट लेके तय करके हम जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ से फिर से मेल आया कि आप एक बार फिर से आप बड़ौदा में ही ब्लड रिपोर्ट निकालो और जो हीमोसिस्टिनुरिया लेवल जब उसका तय है तो हीमोसिस्टिनुरिया लेवल कितना है वो निकलवा के लेके आना रिपोर्ट, तो यहाँ आपके दिन ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे। तो हमने यहाँ जो बड़ौदा में टोपरानी लैब है जो सबसे अच्छी लैब है वहाँ निकलवाया, तो ह्यूमन बॉडी में जो जनरली होना चाहिए हीमोसिस्टिनुरिया वो 5 से 15 होता है। जब भी मेरे लड़के का आया 207, कम से कम 50 गुना ज़्यादा। लेकिन हमको तो ये मालूम नहीं कि भाई ये साइंस मेडिकल साइंस में क्या लेवल कितना होगा और क्या उसका असर होगा। यही रिपोर्ट लेके हम लोग चेन्नई गए। चेन्नई ने जब इन्होंने सब डॉक्टरों ने देखा, देखते ही बोला कि अभी इसकी तबीयत ठीक है, लेकिन यूके वाले डॉक्टर बोले कि ये आप रिपोर्ट लेके आए हो, रिपोर्ट में लेवल है 207, कम से कम हमको 100 तो लाना ही लाना है, वैसी हम दवाई कुछ करेंगे या बताएंगे। लेकिन फिर से एक बार उन्होंने ये सोचा कि चेन्नई में ही ब्लड चेक करवाए। हमने चेन्नई में ब्लड रिपोर्ट निकालवाया जो वहाँ सबसे अच्छी लैब है शंकरा आइस हॉस्पिटल, वहाँ हमने निकलवाया रिपोर्ट। वहाँ हमको देने का ना बोला कि 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा। हमने डॉक्टर साहब को फिर से रिक्वेस्ट की कि आप रिपोर्ट खुद कलेक्ट कर लेना और आप देख लेना, जो भी होगा मेल करना, तो उन्होंने हाँ बोला। हम हमारे प्रोग्राम के अनुसार 3रे दिन घर पे वापस आए। 5 या 6 रोज के बाद जब रिपोर्ट डॉक्टर साहब के हाथ में आए, उन्होंने हमको मेल किया और बोला कि अभी दवाई आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई जो चल रही है वही करो। लेकिन जब रिपोर्ट मेल हमारे पास आया रिपोर्ट का, तो उन्होंने मेल में आया था उनका जो लेवल है 49, जो 4-5 रोज या हफ्ते पहले हमने करवाया था वो 207 था, वो अभी आया 49, यानी 5 गुना, जो 50 गुना लेवल पहले ज़्यादा था वही 5 गुना लेवल कम हो गया, यानी कि 49 आया। तो वही टाइम पे मैंने फिर से एक बार हाथ जोड़ के बापू को अम्बग ने कहा कि ये बीच वाली फिगर कौन ले गया। वही फिर एक बार मेरे बापू मेरे बच्चे के सहारे आए, उसको नई जिंदगी दे दी गई। लेकिन मैं बीच में कहना भूल गया कि जब 2008 में उसको ये तकलीफ हुई, तभी से मैं बापू का दृढ़ भक्त हुआ। धीरे धीरे मैं उपासना सेंटर में जाने लगा और उपासना सेंटर में जाने के बाद आज इतनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ बापू को ये भरोसा हुआ कि ये बच्चा जी रहा है, और मुझ में भक्ति देख के उन्होंने हमारे यहाँ सेंटर चालू करवाया और आज हम समा सेंटर नाम से, समा गांव के नाम से समा का सेंटर चलाते हैं, जिसका मैं प्रमुख सेवक हूँ। हरिओम अम्बग्ना।